नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में। तो ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में आई एम श्योर आप लोग में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिटेल्स पता होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको ऑटो ब्लॉगिंग बताऊंगा ही नहीं, उसके साथ साथ उसमें और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो ऑटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, जैसे कि एडवांटेज क्या है ऑटो ब्लॉगिंग के, डिसएडवांटेज क्या है ऑटो ब्लॉगिंग के, कितनी तरह की ऑटो ब्लॉगिंग होती है और आपको क्या ऑटो ब्लॉगिंग करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, ये सारी डिटेल जो है आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो दोस्तों, अगर आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं ताकि आप लोगों के सवालों के जवाब जो है आपको मैं वहां पे दे पाऊं, तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपके जितने भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वहां पे आपको जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। सो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ऑटो ब्लॉगिंग, ऑटो ब्लॉगिंग है क्या। तो ऑटो ब्लॉगिंग यहां पे एक ऐसा, जैसे कि इसका नाम है ऑटो ब्लॉगिंग, यानी कि कंटेंट। हम जब भी कोई वेबसाइट ओन करते हैं तो वहां पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट आना, और कंटेंट भी बहुत सिस्टमैटिक तरीके का होना चाहिए, बहुत ही वैलिड होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग करते हैं, ऑटो ब्लॉगिंग कहने का मतलब है कि आप किसी थर्ड वेबसाइट से, किसी थर्ड वेबसाइट जो ऑलरेडी काफी अच्छी चल रही है, वहां पे उनके पास बहुत अच्छा कॉन्टेंट है, आप उसी कॉन्टेंट को कॉपी करके, ऑटोमेटिकली कॉपी करके अपनी खुद की वेबसाइट में कॉपी पेस्ट करते हो, यानी कि ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप वही कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लेकर आते हो, तो इसको कहा जाता है ऑटो ब्लॉगिंग। अब यहां पे अगर टाइप्स ऑफ ऑटो ब्लॉगिंग की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑटो ब्लॉगिंग। एक है फ्री टूल, जिसमें जो है आपके बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स अवेलेबल हैं, जिनके जरिए जो है आप फ्री के अंदर थर्ड पार्टी के जितनी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं या जिनसे भी आप कंटेंट अपनी वेबसाइट में लाना चाहते हो, उस वेबसाइट को उस थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, फिर उस थर्ड पार्टी के टूल को अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे फ्री वाला। लेकिन फ्री वाले के डिसएडवांटेज क्या है कि वो जो है आपको उतनी प्रॉपर डिटेल जो है वो नहीं दे पाता जैसी आपको चाहिए है। दूसरा होता है यहाँ पे पेड ऑटो ब्लॉगिंग। पेड कुछ ऐसे टूल्स हैं जो पेड हैं, जिनका आपको चार्ज पे करना पड़ता है, उसका एक लाइसेंस की आपको मिलती है, ये आप ऑनलाइन से बाय कर सकते हो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फ्री और पेड दोनों ही ऑटो ब्लॉगिंग के ऊपर, दोनों ही टूल्स के ऊपर आपको अलग से एक वीडियो बना के दूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो अभी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पेड टूल्स की। पेड टूल्स में होता क्या है कि आपने एक लाइसेंस पे लिया है, आपने पैसा पे किया उस टूल को इस्तेमाल करने का, तो यहां पर आप जिस तरीके से, जिस भी फॉर्मेट के अंदर, जिस भी जगह पे, जिस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो है उस कंटेंट को फीड करना चाहते हैं, आप वहां पे फीड कर सकते हैं। तो यहां पे जो है आपके पास एडवांटेज है कि आप अपनी अकॉर्डिंग जो है कंटेंट को दूसरी वेबसाइटों से कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लेकर आ सकते हैं। तो ये है आपकी टाइप ऑफ ऑटो ब्लॉगिंग। अब यहां पे बात करते हैं एडवांटेज क्या है ऑटो ब्लॉगिंग के। एडवांटेज की जहां तक बात हो रही है तो ऑटो ब्लॉगिंग का सिर्फ एक ही बहुत बढ़िया एडवांटेज है, वो ये एडवांटेज है कि आपको खुद कंटेंट क्रिएट नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ जो है थर्ड पार्टी, जहां से भी, जिस भी वेबसाइट से आप कंटेंट लेके आना चाहते हो, वहां से कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली अपडेट करते चले जाते हो। तो ऐसे में ये टेक्नोलॉजी जो है आपको हेल्प करती है। ये एडवांटेज है कि आपकी वेबसाइट पे रेगुलर अपडेट्स होते हैं, और रेगुलर अपडेट होने के चक्कर में जो है आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं रैंक भी करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज ऑटो ब्लॉगिंग के क्या है, बेसिकली मैं इसको डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा, लेकिन यहां पे क्या है कि आपको थोड़ी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन प्योरली मैं इसको पहले डिसएडवांटेज की तरह आपको रिप्रेजेंट करता हूं, उसके बाद आप इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं,
ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिसएडवांटेज है क्या। देखिए डिसएडवांटेज अगर आप लोग एसईओ जानते हैं कि व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, तो यहां पर एसईओ के तहत बोला जाता है कि आप किसी भी कंटेंट को अगर आपकी वेबसाइट पे है और आपसे पहले किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर सेम कंटेंट जो है डला हुआ है तो वो कंटेंट आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कहलाता है, और अगर वो कंटेंट आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन पेनल्टी लगा सकते हैं, ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो कंटेंट आ रहा है वो बिल्कुल कॉपी होकर आ रहा है थर्ड पर्सन थर्ड वेबसाइट से। तो ऐसे में जो है ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमारी वेबसाइट को जो है अगर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया तो ऐसे में हमारे पास जो है फिर कितना भी कंटेंट हम अच्छा बाद में पोस्ट करें, लेकिन एक बार हमारी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो गई तो वहां पर जो है हमारी वेबसाइट के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कि हम उसको बाद में रैंक पे नंबर वन पे लाने के लिए जो है हम बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी जो है चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपका ब्लैकलिस्ट हो रखा है तो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो खराब हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑटो ब्लॉगिंग का। लेकिन ऑटो ब्लॉगिंग को जो है आप अच्छे तरीके से, मतलब इस डिसएडवांटेज को आप एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी हम बात करते हैं उस पर। तो यहां पे कन्वर्ट डिसएडवांटेज टू एडवांटेज, यहां पे जो आपके पास कंटेंट आ रहा है, नो डाउट आप जिस भी वेबसाइट से कंटेंट लेके आ रहे हो तो अगर ऑटो ब्लॉगिंग कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी सिर्फ वही कंटेंट आपको कॉपी करके दे सकती है, ना कि उसमें कुछ अल्ट्रेशन करके जो है एक यूनिक कंटेंट बना के दे सकती है। लेकिन यहां पर जो है आपको कुछ चीजों को जानना है कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, आपको ये चीज चेक करनी है, आपको ये मेक श्योर कराना है जो कंटेंट ऑटो ब्लॉगिंग के जरिए आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उस कंटेंट को आप जो है डुप्लीकेट ना होने दें, उसको डायरेक्टली पब्लिश ना करें। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि उस कंटेंट को ऑटो ब्लॉगिंग के जरिए जो आ रहा है उसको डायरेक्टली पब्लिश कर देते हैं, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये हो जाती है डायरेक्ट पब्लिश करने में कि अगर कंटेंट आपका डुप्लीकेट है और आपने दो दिन या तीन दिन अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी काम नहीं करा तो ऐसे में वो जो है पेनल्टी आपको डुप्लीकेट वाली लग सकती है। आपको करना क्या है, ऑटो ब्लॉगिंग का इस्तेमाल करना है, दूसरी जहां से भी वेबसाइट से कंटेंट आप लेके आ रहे हो आप अपनी वेबसाइट पे लेकर आए, लेकिन उसके बाद जो है पब्लिश करने से पहले उसको अनपब्लिश रखें अपनी वेबसाइट के बैक पैनल पे। उसके बाद जो है आप उसको मैन्युअली, आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ऑटो ब्लॉगिंग जो है आपके लिए सिर्फ कंटेंट जनरेट कर सकती है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं क्रिएट कर सकती। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से डुप्लीकेट कंटेंट को चेक करना है और उसको यूनिक बनाना है, और यूनिक बनाने में कोई ज्यादा बड़ी मेहनत नहीं लगती। अगर आपको ऑन पेज एसईओ आता है और डुप्लीकेसी चेक करनी आती है तो आप बहुत आसानी से जो है इस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस चीज को जो है सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम मेहनत करके जो है आप उसी कंटेंट को यूनिक कंटेंट बना के फिर मैन्युअली पब्लिश करें। तो ऐसे में जो है ऑटो ब्लॉगिंग से आपको कंटेंट भी ऑटोमेटिकली मिलते जा रहा है, और क्योंकि आप जो है मैनुअल इंटरवेंशन के जरिए जो है उस चीज को यूनिक भी बनाते जा रहे हैं, ऑन पेज एसईओ के हिसाब से सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी वेबसाइट जो है जल्द से जल्द रैंक में आ जाएगी क्योंकि आपको यहां पे मेहनत कम करनी पड़ रही है। तो ये है पूरी ऑटो ब्लॉगिंग। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आपका कोई भी सवाल है कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको लगता है कि और डिटेल में प्रैक्टिकल इस चीज को मैं आपको दिखाऊं तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि मैं आपको वीडियो बना के चाहिए है या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल ऑटो ब्लॉगिंग के ऊपर जो है फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके और पेड टूल्स का इस्तेमाल करके आपको जो है वीडियो बना के दूंगा, और वहां पे आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कि किस तरह से आप जो है कंटेंट को यूनिक बना सकते हैं। सो आई एम श्योर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे साइड पर सब्सक्राइब का बटन है उसको जाके सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें
ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।